टाइम न्यूज समूह की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जहां पुलिस ने पकड़े गए तीनों आरोपियों से 3 दो पहिया वाहन बरामद किया है। वहीं एक अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। दरअसल द्वारकापुरी थाना पुलिस ने विदुर नगर इलाके में हुई वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्य दीपक, लखन और विशाल नामक आरोपी को अपनी गिरफ्त में लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में 3 दो पहिया वाहन बरामद किए। आरोपों का मुख्य साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पकड़े गए आरोपी सस्ते दामों पर आसपास ग्रामीण इलाकों में बेचने का काम करते थे। अब तक कितने वाहन बेचे गए हैं और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये मोटरसाइकिल चोरी वाले आरोपी हैं, अपने अपराध पंजीबद्ध था उसी में इनकी विदुर नगर से इनको मुखबिर की सूचना पकड़ा है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल इनके कब्जे से जब्त करी है। इनके मतलब इन लोग मजदूरी करने वाले लड़के हैं और 2-4 4-5 लड़के हैं इनके साथ के। ये लोग मिलकर के रात में इस तरह की वारदातें करते हैं। तो अभी अपने यहाँ से 3 चोरियाँ ट्रेस हुई हैं। एक लड़का मयूर प्रियांशु फरार है, एक बुद्ध नगर का है, एक खरगोन का लड़का है और एक यहीं सूर्यदेव नगर का, बुद्ध नगर, 2 बुद्ध नगर का है। एक का नाम, लड़के का नाम दीपक है, ये बुद्ध नगर का है और लखन ये खरगोन का रहने वाला है और जो प्रियांशु है ये बुद्ध नगर का रहने वाला है और एक विशाल है, ये डाक्टर कॉलोनी इंदौर के रहने का, डाक्टर कॉलोनी है कोई। हाँ, वो देख रहे हैं अपन, जांच में है अभी। ऐसा कोई कारण नहीं है, ये लोग बस इनकी मर्जी, शराब वराब पी लेना और चोरी करते हैं। अभी 3 हुई है, अब उस्ताद में अब आगे पता चलेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।